हो सकता है सर, एक बिजनेस पहले बहुत अच्छा कर रहा था, धीरे धीरे उनका ओवरऑल परफॉर्मेंस में डिक्लाइन होना शुरू हो गया है. दे वर डूइंग ग्रेट फ्यू इयर्स बैक, नाउ देयर इज अ डिक्लाइन इन देयर ओवरऑल परफॉर्मेंस. आप इस डिक्लाइन के प्रोसेस को रिवर्स करना चाहते हैं, मतलब यू वॉन्ट टू गो बैक टू द नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज जब आपका बिजनेस बढ़िया काम कर रहा था. दिस स्ट्रेटजी इज कॉल्ड एज टर्न अराउंड स्ट्रेटजी. यू वुड वॉन्ट टू टर्न अराउंड दिस सिचुएशन एंड गो बैक टू द नॉर्मल कंडीशन व्हेन योर बिजनेस वॉज डूइंग ग्रेट. दिस इज कॉल्ड एज टर्न अराउंड. डिटेल में डिस्कस करेंगे. दूसरा ऑप्शन, अगर आपको लगता है टर्न अराउंड पॉसिबल नहीं है, ये डिक्लाइन है ये एक दो बिजनेस में आ चुका है, कंट्रोल के बाहर है, आपको धंधा शायद एग्जिट करना पड़ेगा, तो शायद आप वो बिजनेसेस को क्या कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं. दैट इज कॉल्ड एज डाइवेस्टमेंट. दैट इज कॉल्ड एज डाइवेस्टमेंट. तीसरा ऑप्शन, एज अ ग्रुप आपको लगता है एक दो एसबीयूज नहीं, एक दो बिजनेसेस नहीं, यू वांट टू एग्जिट द कंप्लीट यू नो बिजनेस मॉडल ऑल टुगेदर. आपको कंप्लीटली कंट्री से ही बाहर निकलने का है, पूरा का पूरा ये धंधा करना ही बंद करने का है, मे बी प्रोडक्ट बनाने का ही नहीं है, कोई सर्विस नहीं बनाने का है, मतलब आपको लिक्विडेट करना है. दिस इज अ एक्सट्रीम केस. नॉर्मली जब आपको लगता है नथिंग वर्क्स इन योर फेवर, तब जाके एक इंसान बिजनेस बंद करना चाहेगा. इफ द बिजनेस का एक सेगमेंट भी अगर बढ़िया काम कर रहा है तो कोई नॉर्मली इंसान बिजनेस को बंद नहीं करता है. तो फर्स्ट ऑप्शन इज टर्न अराउंड, सेकंड इज डाइवेस्टमेंट, थर्ड वन इज कॉल्ड एज लिक्विडेशन. डिटेल में दो ही चीज है, टर्न अराउंड एंड डाइवेस्टमेंट. उसमें भी मेजर फोकस टर्न अराउंड पे ही है. ढंग से पढ़िएगा, सुनिएगा. सर, स्ट्रेटेजिक एग्जिट मतलब क्या है? आप सब्सटेंशियली मार्क द लाइन, रिड्यूस करना चाहते हैं स्कोप ऑफ योर एक्टिविटी. दिस इज द मीनिंग ऑफ रिट्रेंचमेंट. दिस इज द मीनिंग ऑफ रिट्रेंचमेंट. आप अपने ओवरऑल एक्टिविटी के स्कोप को कम करना चाहते हैं. इसके लिए आप पहले प्रॉब्लम क्या है, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ द प्रॉब्लम, ये सब समझने के बाद फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहेंगे. तो आपके पास तीन ऑप्शन होते हैं. सबसे पहला ऑप्शन कहलाता है टर्न अराउंड. When turnaround doesn't work, you think about divestment. And when nothing works, you think about liquidation. Turnaround पढ़िए. अगर एक organization चाहता है एक ऐसा तरीका जिससे वो reverse कर सकता है, किसका process? The process of decline. पहले अच्छा था, decline शुरू हुआ, I want to reverse this process. Strategy is turnaround. दूसरा चीज, जब मुझे लगता है मेरे लॉस मेकिंग बिजनेस यूनिट्स, लॉस मेकिंग डिविजन, लॉस मेकिंग एसबीयूज को कंप्लीटली एग्जिट कर देना चाहिए, कट ऑफ करना है लॉस मेकिंग यूनिट, डिविजन, एसबीयू, प्रोडक्ट लाइन. मेरे को धंधा ही नहीं करने का, ओवरऑल बिजनेस रखना है, ब्रांड वैल्यू रखनी है, बट आई डोंट वांट टू सेल दीज 10 डिफरेंट प्रोडक्ट्स. आई बिलीव तीन कोर प्रोडक्ट कंटिन्यू करूंगा, बाकी 6-7 को क्या कर दूंगा, एग्जिट कर दूंगा. दिस इज कॉल्ड एज डाइवेस्टमेंट. जब मुझे लगता है कुछ भी कंटिन्यू नहीं करना है, कंप्लीट शट डाउन, यू वांट टू अबैंडन द बिजनेस, दिस इज कॉल्ड एज लिक्विडेशन. मेजर फोकस दो ही पे होना चाहिए, ए एंड बी पे. ये तीनों पॉइंट आने चाहिए फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ रिट्रेंचमेंट. रिट्रेंचमेंट का मतलब होता है एग्जिस्टिंग एक्टिविटी के लेवल को रिड्यूस करना. उसके लिए एक्चुअल प्रॉब्लम समझिए, रीजन समझिए, और फिर सोचिए टर्न अराउंड ट्राई करना चाहिए, डाइवेस्टमेंट ट्राई करना चाहिए, या इफ नथिंग वर्क्स लिक्विडेशन के लिए जाना चाहिए. इज द इंट्रोडक्शन टू रिट्रेंचमेंट क्लियर टू यू? लेट्स गो टू टर्न अराउंड. सबसे पहले सर, टर्न अराउंड स्ट्रेटजी क्यों चाहिए, कब चाहिए, उसके लिए कुछ इंडिकेटर्स है. मार्क कीजिएगा, दिस कैन बी अ क्वेश्चन. डेंजर साइंस जो बताते हैं कंपनी नीड्स अ टर्न अराउंड, ऑब्वियसली कंसिस्टेंट नेगेटिव कैश फ्लोज, मार्केट शेयर इज डिक्लाइनिंग, फिजिकल फैसिलिटीज डिटेरियरेट हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं, ओवर स्टाफिंग, लोग बहुत ज्यादा हैं, काम नहीं है उनके पास में, प्रोडक्ट्स बिल्कुल अनकॉम्पिटेटिव हो गए हैं, बेसिकली प्रोडक्ट कॉम्पिटेटिव बचा ही नहीं है मार्केट के अंदर, सेल करना ही पॉसिबल नहीं होगा, ओवरऑल धंधा कंप्लीटली मिसमैनेज्ड है. ये सब इंडिकेटर्स हैं दैट अ कंपनी नीड्स अ टर्न अराउंड बैडली. ये आर दे आर द इंडिकेटर्स, दे आर द डेंजर साइंस दैट अ बिजनेस नीड्स अ टर्न अराउंड. इज दिस क्लियर टू यू? पता होने चाहिए डेंजर साइंस. दूसरा, जब मेरे को टर्न अराउंड करना है तो मुझे क्या क्या नॉर्मली बदलाव लाना होता है. इन्होंने कुछ एलिमेंट्स का लिस्ट दिया है, ये जरूरी नहीं है हर बार सबके सब अप्लाई होगा, बट कुछ एक जनरल एग्जांपल्स दिए हैं. शायद टॉप लेवल मैनेजमेंट को बदल दो, शायद आपका क्रेडिबिलिटी वैल्यू खत्म हो गया होगा बिजनेस का, इसको बिल्ड करने का ट्राई करो. इनिशियली क्रेडिबिलिटी बिल्डिंग एक्शन कुछ ऐसा करो, शायद ऐसे लोगों को साथ में लेके आओ, ऑन बोर्ड लेके आओ, जिससे आपका वैल्यू वापस से क्या होगा, रिवाइव होगा. नंबर 3, एक्सटर्नल प्रेशर को न्यूट्रलाइज करने का ट्राई करो, इफ पॉसिबल फाइनेंस मिनिस्टर से मिलके आओ. पेटीएम तभी तो वापस सर्किट लग गया, वापस गलत है, उनको लग रहा है फाइनेंस मिनिस्टर मिलने से आरबीआई कुछ नहीं करेगा. यू अंडरस्टैंडिंग दिस? आज अपर सर्किट है. दिस इज हाउ द क्रेजी वर्ल्ड वर्क्स. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई क्विक पे ऑफ एक्टिविटीज, मतलब जहां से आपको लगता है मस्ट जल्दी जल्दी इन्फ्लू आ सकता है, मतलब अ न्यू वे सो दैट आई कैन यू नो जनरेट पॉजिटिव कैश फ्लोस, क्विक पे ऑफ एक्टिविटीज. नेक्स्ट, कॉस्ट रिडक्शन करने का ट्राई करो, रेवेन्यू जनरेट करने का ट्राई करो. ऑब्वियसली कुछ एसेट्स को बेचना पड़ेगा ताकि कैश जनरेट होगा, ताकि टर्न अराउंड हो पाएगा. टर्न अराउंड के लिए भी पैसा लगता है भाई, उसके लिए कुछ तो कैश लगेगा ना. फिर इंटरनल कोऑर्डिनेशन को इंप्रूव करो. ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इनके थ्रू आप जनरली टर्न अराउंड कर सकते हैं. मेरे हिसाब से डेंजर साइंस एंड एलिमेंट्स रीड करना, पहले बहुत बार आते थे, पर जब से आईसीआई ने ये एक्शन प्लान लिख दिया, क्या लिख दिया, एक्शन, उनको बढ़िया 5 पॉइंट मिल गए, समझ रहे हो, तब से आईसीआई ने कभी पीछे देखा ही नहीं, सिर्फ एक्शन प्लान ही पूछा, और उसका इतना वाहियात आंसर लिख के दिया है उन्होंने. आपको बताता हूँ आईसीआई का श्रेष्ठ अंतर कैसे बनाते हैं अभी के लिए. डू यू अंडरस्टैंड दिस? एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है. सर, टर्न अराउंड अप्लाई करने का क्या करने का, करना तो बहुत कुछ चाहिए. आईसीआई के हिसाब से 5 हेडिंग है, हर हेडिंग के अंदर जो पहला लाइन लिखा है वो लिख देने का, भले वो लॉजिकल है नहीं है, टर्न अराउंड का आंसर पक्का है इनके हिसाब से. नंबर 1,
असेसमेंट ऑफ करंट प्रॉब्लम्स. ऑब्वियसली रूट कॉज क्या है, एक्चुअल रीजंस क्या है, व्हाई द प्रोसेस ऑफ डिक्लाइन स्टार्टेड, रिवर्स करने के लिए प्रोसेस शुरू क्यों हुआ डिक्लाइन का, वो जानना जरूरी है. नंबर वन, गेट टू द रूट कॉजेस एंड एग्जैक्टली कितना डैमेज हो चुका है. कहीं ऐसा तो नहीं है बियॉन्ड रिपेयर है, अगर बियॉन्ड रिपेयर है तो आगे जाके फायदा नहीं होगा, शायद धंधे को क्या कर देना चाहिए, डाइवेस्ट ही कर देना चाहिए. नंबर वन इज आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ करंट प्रॉब्लम, रूट कॉजेस तक पहुंचो. नंबर ए लिखोगे काफी है. सिचुएशन को एनालाइज करो एंड डेवलप करो एक स्ट्रेटेजिक प्लान. मतलब सर प्रिलिमिनरी प्रॉब्लम्स क्या है, रूट कॉजेस क्या है, ढूंढने के बाद में क्या इसे रिजोल्व किया जा सकता है, हमारे करंट स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस क्या है, क्या ये एक्चुअली में प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा इसे ओवरऑल रिजोल्व करना, ये सोचना स्टेप नंबर टू में लिखा है. जनरली ये स्टेप वन का ही पार्ट होता है. देखिए क्या बोलता है, सर मेजर चेंजेस वगैरह लाने की क्या जरूरत है, कोई प्रिलिमिनरी एक्शन प्लान बनाइए, फाइंड आउट द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, जिससे शायद आपका ये स्ट्रेटेजिक प्लान बना करके आप अप्लाई कर पाएंगे. आई वुड से पॉइंट नंबर बी से प्रिलिमिनरी एक्शन प्लान पिक कर लेना, पॉइंट नंबर ई से डेवलप अ स्ट्रेटेजिक प्लान एंड आप अपने गोल्स एंड एक्शंस बना करके उनको अचीव करने का ट्राई करें. ये पॉइंट नंबर ई लिख देंगे तो भी काम हो जाएगा. नेक्स्ट, इंप्लीमेंटिंग एन इमरजेंसी एक्शन प्लान. ये हर बार आता ही नहीं है. सुनो, कभी कभी हो सकता है एक बिजनेस में एवरी डे बाय नॉट डूइंग एनीथिंग आई एम लूजिंग मनी, या एवरी प्रोडक्ट विच आई सेल आई एम सेलिंग इट इन लॉस. मतलब मैं ये प्रोडक्ट बनाने के लिए 100 रुपए कॉस्ट इनकर कर रहा हूं, बेचना पड़ रहा है 80 रुपए में. कैन आई से प्रोडक्ट बना के बेचना, मतलब भाई आई एम मेकिंग अ लॉस ऑफ 20 रुपी ऑन एवरी प्रोडक्ट. कैन आई से दिस इज योर सिग्निफिकेंट एवरी डे लॉस. मतलब धंधा करना भी अपने आप में लॉस है. सो नॉट डूइंग इज बेटर, आई यू अंडरस्टैंडिंग दिस. एयरलाइन बिजनेस सबसे कॉमन है. जब मेरे को मालूम है मेरा ऑक्यूपेंसी खत्म हो चुका है, मेरे चार्जेस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, मेरा ओवरऑल कॉस्ट इतना ज्यादा है कि मेरे को फ्लाइट उड़ाया तो लॉस हो जाएगा. कैन आई से मैंने फ्लाइट उड़ाने ही नहीं देना चाहिए, लाइक जेट एयरवेज कंप्लीटली लैंड कर देना चाहिए, पहले बिजनेस के ऑपरेशन को रोक देना चाहिए. बिकॉज रनिंग अ बिजनेस इज इक्वल टू लूजिंग मनी. सो आपको ब्लीडिंग स्टॉप करना पड़ेगा, पहले वो एक्टिविटी को बंद करना पड़ेगा, फिर सोचना पड़ेगा इधर से रिवर्स हो सकता है क्या. सो दिस इज कॉल्ड एज इंप्लीमेंटिंग एन इमरजेंसी प्लान. अगर ऑर्गेनाइजेशन क्रिटिकल स्टेज में है, एन अप्रोप्रिएट एक्शन प्लान मस्ट बी डेवलप टू स्टॉप, मार्क द वर्ड, ब्लीडिंग एंड इनेबल द ऑर्गेनाइजेशन टू सर्वाइव. अगर मैं हर दिन और लॉस इनकर नहीं करूंगा तो शायद कुछ दिन बाद रिवाइव कर जाऊंगा, बट हर दिन अगर लॉस इनकर करते जाऊंगा तो बैंक बैलेंस ही खाली हो जाएगा. तो अल्टीमेटली टर्न अराउंड का स्कोप क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा. मतलब सर अगर क्रिटिकल स्टेज है तो आपको ब्लीडिंग स्टॉप करना चाहिए, मतलब हर दिन जो लॉस हो रहा है उसे रोकने का ट्राई करना चाहिए. फिर आपने पॉइंट नंबर सी, एक पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो स्टार्ट करने का ट्राई करना चाहिए एज क्विकली एज पॉसिबल. अभी इजी नहीं होता, क्योंकि जब तक पॉजिटिव कैश फ्लो नहीं आएगा होप नहीं आएगा बिजनेस के अंदर. तो वही एक्टिविटी शुरू करो जिससे पॉजिटिव कैश फ्लो, मतलब लॉस होने के बजाय हमको नेट इनफ्लो आ रहा है, अगर वो होगा तो शायद बिजनेस के अंदर थोड़ा सा आपका एनर्जी बिल्ड होना शुरू होगा कि ये बिजनेस रिवाइव हो सकता है. नंबर वन, फाइंड द रूट कॉजेस ऑफ द प्रॉब्लम, जनरल स्ट्रेटेजाइजिंग करके एक एक्शन प्लान बनाओ, फिर उसे अप्लाई करने के बारे में सोचो. तीसरा, कभी कभी अगर क्रिटिकल स्टेज है तो आपको एक इमरजेंसी एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा जिसके लिए आप ब्लीडिंग को स्टॉप करना चाहोगे, लॉसेस को रोकना चाहोगे, और जल्द से जल्द एक पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो बनाने का ट्राई करोगे, ताकि एक तरीके से अच्छा एनवायरमेंट बिल्ड होगा कि शायद टर्न अराउंड पॉसिबल है. पहला तीन स्टेप समझा क्या. नंबर फोर्थ इज एक्चुअल टर्न अराउंड, ये बराबर है रीस्ट्रक्चरिंग द बिजनेस. टर्न अराउंड में क्या करेंगे, सबसे पहले मैनेजमेंट को चेंज करेंगे. मतलब 1000 लोग हैं, शायद 1000 लोग की जरूरत नहीं है, मे बी उन लोगों को रिट्रेंच करना पड़ेगा जो आपके लिए एक तरीके से ऑब्लिगेशन है मोर देन अ एसेट. तो आपको पीपल मिक्स चेंज करना पड़ेगा, आपको प्रोडक्ट मिक्स चेंज करना पड़ेगा. 10 प्रोडक्ट बना के बेच रहे हो, 10 के 10 नहीं बेच सकते हो. फ्लाइट अगर चला रहे हो, एयरलाइन चला रहे हो, देर आर 100 सेक्टर्स जो आप आज कवर करते होंगे. मे बी जो प्रॉफिटेबल कोर 10-12 सेक्टर है पहले वो कंटिन्यू करने चाहिए आपने, बाकी जो नॉन प्रॉफिटेबल सेक्टर्स उनको स्टॉप कर देना चाहिए. मतलब आपको रीस्ट्रक्चरिंग करते वक्त अपने प्रोडक्ट का मिक्सचर चेंज करना पड़ेगा, पीपल का मिक्सचर चेंज करना पड़ेगा. ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे कि एक नया बिजनेस उभर करके सामने आए. ऑनेस्टली ये अच्छा पार्ट है, बट इन्होंने पॉइंट नंबर एंड भी आंसर में लिखा है. एंड देखो क्या बोलता है, फाइनेंशियल स्टेट इज इंपॉर्टेंट. इफ द कोर बिजनेस इज इररिपेरेबली डैमेज, मेन बिजनेस अगर इतना डैमेज हो गया है तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का आउटलुक क्या हो जाएगा, ब्लीक. ब्लीक मतलब नेगेटिव हो जाएगा. ऐसा नहीं है, ये तो सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट है. आपको समझना पड़ेगा रीस्ट्रक्चरिंग में देयर आर टू थिंग्स, वन इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट मिक्स, सेकंड इज कॉल्ड एज पीपल मिक्स. प्रोडक्ट मिक्स मतलब मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट. आज हम 10 प्रोडक्ट बना के बेचने हैं, इसमें से ये 5 कोर प्रोडक्ट हम बेचेंगे, बाकी 5 नॉन कोर हम नहीं बेचेंगे. ये डिसीजन लेना इज रीस्ट्रक्चरिंग. लोग मेरे पास 1000 है, इसमें से 200 इंपॉर्टेंट लोग ही काम करेंगे, बाकी 800 को रिट्रेंच करना पड़ेगा. भाई जूस क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, यू आर डूइंग रीस्ट्रक्चरिंग ओनली. पहले आप इन्वेस्टर को लेकर के आते हो टॉप लेवल पे, नया पैसा लेके आते हो, वर्किंग कैपिटल थोड़ा बिल्ड करने का ट्राई करते हो, फिर आप बोलते हो जो जो सारे प्रोडक्ट्स थे सब कुछ बेचने का ट्राई नहीं करेंगे, जो हमारे पास इतने सारे लोग थे उनको रिटेन करना पड़ेगा. जस्ट रिटेन लिमिटेड पीपल, फोकस ऑन कोर बिजनेस, इसको बोलते हैं रीस्ट्रक्चरिंग. इससे शायद आप धीरे धीरे रिवाइव होना क्या होंगे, शुरू होंगे. दिस इज कॉल्ड एज रीस्ट्रक्चरिंग द बिजनेस. एंड द लास्ट वन इज कॉल्ड एज रिटर्निंग टू नॉर्मल. मतलब सर ऑब्वियसली यू बिलीव थिंग्स आर कमिंग बैक टू नॉर्मल, आप धीरे धीरे स्टेबलाइज करेंगे और वापस से फ्यूचर में एक्सपेंशन के लिए जाएंगे. अगर लगता टर्न अराउंड काम करता है, ऑर्गेनाइजेशन हैज स्टार्टेड शोइंग द साइंस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, बढ़िया आरओआई आ रहा है, इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन हो रहा है, तो मतलब बिजनेस इज कमिंग बैक टू द नॉर्मल कंडीशन. आर दीज 5 स्टेप्स क्लियर टू यू? दिस इज योर टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी. टर्न अराउंड के साइंस,
एलिमेंट्स एंड एक्शन प्लान आना चाहिए. एक्शन प्लान सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर अ 5 मार्क क्वेश्चन. आई शो यू द क्वेश्चन ऑल्सो. ब्लीक का मतलब है नेगेटिव बेटा. लास्ट वन, डाइवेस्टमेंट मतलब कुछ नहीं, यहां पे छोटे छोटे बिजनेसेस को आप एग्जिट करना शुरू कर देंगे. एक ही क्वेश्चन आ सकता है, डाइवेस्टमेंट कब सूटेबल होगा. 5 पॉइंट है, मार्क कर लीजिए. जब आपको लगता है आपने कोई बिजनेस खरीदा होगा, आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस से वो मिसमैच है, काम में नहीं आ सकता है, उस धंधे को बेचना पड़ेगा. यू मे हैव टू सेल ऑफ दैट बिजनेस. यू बॉट अ बिजनेस, यू बिलीव इट्स समथिंग दैट कैन नॉट बी इंटीग्रेटेड विद माई बिजनेस, यू मे हैव टू एग्जिट फ्रॉम दैट बिजनेस. नंबर टू, आपको सर नेगेटिव कैश फ्लोज है कंसिस्टेंटली, आपको लगता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, उस बिजनेस को क्या कर दीजिए, डाइवेस्ट कर दीजिए. या सर कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है एक इंडस्ट्री में, आपका प्रोडक्ट सर्वाइव ही नहीं कर पा रहा है, दे आर नॉट एबल टू कोप अप विद द कॉम्पिटिशन, डाइवेस्ट करो, एग्जिट करो, नया बिजनेस चालू करो. या सर धंधे को कंटिन्यू करने के लिए टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन चाहिए, उसके लिए जो पैसा चाहिए वो आपके पास में नहीं है. मतलब सिंपल है, एज अ बिजनेस ग्रुप यू आर डूइंग नाइस. फॉर एग्जांपल आदित्य बिरला ग्रुप इज फिनोमिनल, बढ़िया बैलेंस शीट, कोई खराबी नहीं है. बट मेरे को लगता है जो आइडिया वोडाफोन को सर्वाइव करने के लिए पैसा डालने का, वो मैंने बाकी सब धंधा बेच के डाल के फायदा नहीं, इट्स नॉट वर्थ इट, टू मच रिस्क. सो आई मे बिलीव एक धंधा अगर मेरे लिए वैल्यू फॉर मनी नहीं है और बढ़िया पोटेंशियल नहीं लगता है उधर, तो मैं काहे को अपना सारा पैसा डालेगा उधर. ही स्टिल अ बिलियनेयर, मिस्टर कुमार मंगलम बिरला इज अ बिलियनेयर, पैसा बहुत है. बट दैट डज नॉट मीन यू पुट ऑल योर मनी इन दैट बिजनेस स्पेसिफिकली, इट्स नॉट अ कंपल्शन. एवरी बिजनेस हैज टू बी ट्रीटेड सेपरेटली एंड यू हैव टू ऑलवेज सी, इंसान अलग है बिजनेस अलग है, दोनों को साथ साथ में अटैच नहीं करना चाहिए, वरना इंसान भी बिजनेस साथ जाएगा. यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट, दैट डज नॉट मेक सेंस. कभी कभी टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना सर्वाइव नहीं कर पाओगे और आपको लगता है उसके लिए जो पैसा चाहिए वो आपके पास नहीं है, तो आप एग्जिट कर सकते हैं. लास्ट वाला अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, दैट इज अ बेटर ऑल्टरनेटिव फॉर इन्वेस्टमेंट. तो चुपचाप एग्जिट कीजिए, जो बेटर ऑल्टरनेटिव है वहां पे जाइए. ये रीजंस हैं जब एक बिजनेस नॉर्मली क्या करना चाहेगा, डाइवेस्ट करना चाहेगा अपने कुछ यूनिट्स को, अपने कुछ एसबीयूज को. पांचों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 2 मिनट पढ़ लीजिए. स्टेबिलिटी से तो ये डाइवेस्टमेंट भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आगे क्वेश्चन है जो इरिटेटिंग बन जाएगा. मेजर रीजंस फॉर, तो पढ़ के जाओगे डाइवेस्टमेंट, वो पूछेगा रिट्रेंचमेंट. आंसर सेम है इनका, ऐसा होता नहीं है, इनके आंसर में ही सेम है. मेजर रीजंस फॉर रिट्रेंचमेंट में पढ़ना पॉइंट नंबर सी डी ई एफ जी. कंट्रोल से कंट्रोल भी गलती से हो गया है वो, पर क्वेश्चन में अगर आया तो आंसर गलती से यही आंसर देना पड़ेगा, क्योंकि उनका हेडिंग है वो मैच होता है. तो आपको रीजंस पूछे डाइवेस्टमेंट के, रिट्रेंचमेंट के, टर्न अराउंड के. रीजंस लिखे 5, वो सेम है. ऐसा नहीं करना चाहिए उन्होंने, दे शुड ओनली आस्क अबाउट डाइवेस्टमेंट, बट दे हैव गिवन यू, सो आई एम जस्ट टेलिंग यू. इज दिस क्लियर टू यू? लिक्विडेशन लिखा ही नहीं है. कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी जो फोर्थ स्ट्रेटजी है, मतलब मेरे एक प्रोडक्ट के लिए स्टेबिलिटी सही होगा, एक प्रोडक्ट के लिए एक्सपेंशन सही होगा, एक प्रोडक्ट के लिए डाइवेस्टमेंट सही होगा, दिस इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन. दिस इज द फोर्थ स्ट्रेटजी. पहला था स्टेबिलिटी, दूसरा था एक्सपेंशन, तीसरा था रिट्रेंचमेंट, एंड द फोर्थ वन इज कॉम्बिनेशन. यू कैन यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनी ऑफ दीज थ्री और ऑल थ्री, डिपेंड्स ऑन योर बिजनेस पोर्टफोलियो. एक के लिए एक्सपेंशन बढ़िया होगा, एक के लिए डाइवेस्टमेंट बढ़िया होगा, एक के लिए टर्न अराउंड बढ़िया होगा, और एक के लिए एक्सपेंशन बढ़िया होगा. व्हाटएवर इट इज, यू कैन मेक अ कॉम्बिनेशन चॉइस. वो भी नहीं लिखा हुआ है आपके सिलेबस में, बस बता रहा हूं दैट इज योर फोर्थ स्ट्रेटजी. समझा क्या? दैट्स इट, खत्म हो गया चैप्टर. कैन वी गो टू क्वेश्चंस? 5-10 मिनट स्पेंड करते हैं, इफ नॉट मच.